आज इस वीडियो में मैं आपको धोती वाली सलवार की कटिंग में सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम धोती वाला सलवार बनाएंगे। और सलवार की लंबाई हम 37 इंच करेंगे। जैसे कपड़ा है इसको हमने ऐसे डबल कर किया है ऐसे। इसके बाद कपड़े को हम इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे तिकोना, जैसे तिकोना कपड़ा मोड़ते हैं, कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे। आजकल धोती वाले सलवार की बहुत ही मांग है और ये बहुत ही फैशन में आता है। धोती कुर्ता वह धोती वाला सलवार जिसके ऊपर हम कुर्ती पे छोटी कुर्ती पहनते हैं शॉर्ट वाले, इसको ऐसे करके हम पहले इसकी लेंथ नापेंगे इस तरह से। लेंथ हम इधर से करेंगे इसकी, जिधर से सीधा है ऐसे। 37 सलवार तैयार होगा। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे इस साइड, जो मोरी का निशान होगा ऐसे यहाँ पे। और इसके बाद हम ऐसे यहाँ पे ऊपर आसन का निशान लगाएंगे। ये 35 है तो हम यहाँ पे ये 33 इंच लेंगे, यहाँ से हम ऐसे कट कर देंगे। और इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे ऐसे, 9 इंच का हम आसन का निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। 2 2 इंच इधर निशान लगा के और इसको ऐसे सीधा खींच देंगे ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे गोलाई कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल लेंगे ऐसे ऊपर से। इसके बाद ऐसे आसन की कटिंग कर देंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे ये ऊपर ऐसे तिरछा सिरा है, इसको हम ऐसे 1 इंच गोलाई काटेंगे ऐसे। ये हमारे धोती वाले सलवार की कटिंग तैयार हो गई। इसके बाद हम ऊपर की बेल्ट की कटिंग करेंगे। जैसे ये हमारा कपड़ा बचा है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था, उसको ऐसे करके ऐसे इसकी पहले लेंथ नापेंगे। इसकी लंबाई 21 है। अगर हमें 22 इंच करनी तो हम थोड़ा जोड़ लगा लेंगे और 7 इंच की हम इसकी बेल्ट निकालेंगे, 7 इंच की चौड़ाई की। ये यहाँ पे निशान लगा लिया और इस साइड लगा दिया। ये अगर इधर से आपको कपड़ा ऐसे, जैसे ये कपड़ा हमारा थोड़ा टेढ़ा है, इधर से हम ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके बाद इस बेल्ट को निकाल लेंगे। जितने हमारी बेल्ट छोटी थी, इसमें से हम एक टुकड़ा बेल्ट में जोड़ते हैं ऐसे। ये यहाँ पे ऐसे जोड़ा जाएगा ऐसे, तो हमारी बेल्ट
ये ऐसे 22 इंच की तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको सिलने का तरीका बताऊंगी। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करते हैं। जैसे मैंने ये जोड़ बताया था, सबसे पहले हम बेल्ट में ये जोड़ लगाएंगे। इसके लिए हम ऐसे सीधी सिलाई लगा के और ये दूसरा जोड़ है ये भी लगा देंगे। जैसे मैंने बेल्ट पर जोड़ लगा के बेल्ट तैयार कर लिया, अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक आप ऐसे काटेंगे जैसे कि ये 22 इंच की चौड़ाई है। आप एक हिस्से की इलास्टिक 15 इंच लेंगे तो डबल वाली 30 हो गई। मैंने 30 इंच की इलास्टिक काट के इसमें बीच में ऐसे जोड़ लगा दिया ऐसे। अब इसको ऐसे पलट के और ऐसे इसमें रख के ऊपर से ऐसे जैसे हम नेफा मोड़ते हैं ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे इलास्टिक के नीचे सिलाई रहे, इलास्टिक पर नहीं जाए। जैसे हम इलास्टिक डालते हैं तो इलास्टिक छोटी हो जाती है, कपड़ा बड़ा हो जाता है। तो इलास्टिक को ऐसे खींच के, अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो हम ऐसे इलास्टिक नहीं खींच पाएंगे। तो ऐसे इलास्टिक को खींच के ऐसे पीछे करके इसको इस तरह से, तो इसके बराबर इलास्टिक आ जाएगी। उसके बाद तब सिलाई लगाएंगे। फिर जैसे हमने इलास्टिक डाल दी, इसके बाद इलास्टिक को जो चुन्नटे हैं इसको ऐसे बराबर करेंगे। बराबर हम ऐसे खींच के ऐसे देखो ये चुन्नटे चारों तरफ को बराबर हो गई। इसके बाद हम इसके इलास्टिक के ऊपर जो सिलाई लगाते हैं ऐसे, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से शुरू की सिलाई, तो हम ऐसे ऐसे इलास्टिक को खींच लेते हैं तब सिलाई लगाते हैं। अगर हम सिलाई ऐसे चुन्नटे के ऊपर लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक नहीं खींच पाएगी ऐसे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने बेल्ट के ऊपर इलास्टिक के ऊपर दोनों पे सिलाई लगा के तैयार कर दी, ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब हम ऐसे करके इसमें निशान लगाएंगे जिसमें हम चुन्नट लगाएंगे। जैसे बराबर हिस्से हो गए, एक कट हम इस साइड लगा देंगे और एक कट हम इस साइड लगा देंगे और ऐसे करके एक कट हम बीच में लगाएंगे ऐसे। अब जो एक कट है ये हमारा बीच वाला कट है और ये साइड में है जिधर हम प्लेट डालेंगे। अब मैं आपको प्लेट डालना बताऊंगी। जैसे ये हमारी सलवार है ऐसे, इसका हम पहले हम ये आसन जोड़ेंगे इनके ऐसे, दोनों पीस को ऐसे उल्टा पकड़ के जैसे हम आम सलवार में आसन सिलते हैं ऐसे ही हम आसन को दोनों तरफ से सिल देंगे। जैसे मैंने दोनों आसन जोड़ कर तैयार कर दिए, इसके बाद हम इसमें चुन्नट डालेंगे। चुन्नट के लिए जैसे हमने ये निशान लगा था, ये आगे वाला हिस्सा था और जैसे ये निशान है यहाँ पे, हम इसका जो ये नुकीला वाला सिरा है ये यहाँ तक आएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम पूरी प्लेट डालेंगे। अब मैं आपको प्लेट डाल के बता रही हूँ। जैसे ये आगे वाला सिरा है, इस पर हम ये आसन वाला जोड़ लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और इसके बाद हम इसमें चुन्नट डालेंगे। चुन्नट हम इस तरह से डालेंगे ऐसे, जैसे मैं अब आपको चुन्नट डालनी बताऊंगी। ये चुन्नट हम ऐसे डालेंगे इधर से इधर को ऐसे, ऐसे 2 इंच की चुन्नट होगी ऐसे। अब मैं आपको एक हिस्से की चुन्नट डाल के बता रही हूँ, दूसरे हिस्से में भी हम फिर इस तरह से ही डालेंगे। चुन्नट को इस तरह से डालना है ऐसे। ऐसे सारी चुन्नटें हमें बराबर ही डालनी है ऐसे।
जैसे मैंने ये प्लेट डाल दी, प्लेट हमने आगे वाली साइड की इस साइड डलेगी और जो पीछे से प्लेट डलेगी वो इस साइड डलेगी। ऐसे ही हम ये ऐसे बीच में प्लेट डालेंगे, इस तरह से ही हम दूसरे पैर की प्लेटें भी ऐसे ही डालेंगे। जैसे मैंने चुन्नटे डाल के सलवार तैयार कर दिया, इसके बाद जो मैंने मोरी का 6 इंच का निशान लगा था यहाँ पे, ये इसको हम ऐसे सिलाई कर देंगे। इधर से करनी शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे सिलाई करके इधर से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे यहाँ तक दोनों पांचों में सिलाई करके हम बीच की सिलाई लगा देंगे। ये हमारा धोती वाला सलवार बनके तैयार होगा। आप चाहो तो लास्टिक की जगह नाड़ा भी डाल सकते हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।